आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त जायकेदार और आसान चना मसाला की रेसिपी लेकर के आई हूँ। अक्सर हम ये सब्जी घर में बनाते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आता है कि चने अलग हो जाते हैं और उसकी ग्रेवी अलग हो जाती है। तो एक सिंपल सी ट्रिक मैंने शेयर की है, अगर आप मेरी विधि से बनाइएगा तो आपका चना मसाला बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और सभी को बहुत पसंद आएगा। मसालेदार काले चने का सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम काले चने। काले चने को 10 घंटे तक पानी में भिगो के रख दीजिए। पहले मैंने चने को 2-3 पानी से धो लिया और फिर इसे फुला लिया है, तो ये जो पानी है इसी पानी का हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चना पहले से धोया हुआ है। अब हम एक कुकर लेंगे और उसमें भिगे हुए और धोए चने को डालते हैं। थोड़ा और पानी डाल दीजिए, हमें उतना पानी डालना है जितना में चना डूब जाए। तो चने की सब्जी बनाने से पहले चने को उबालना बहुत जरूरी है। एक छोटी चम्मच नमक डाल दें। अब कुकर का ढक्कन लगाते हुए एक सीटी जैसे ही आएगा हम 2-3 सीटी और लगा लेंगे लो फ्लेम पे। जब तक चने उबल रहे हैं हम आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े प्याज, इसे मैंने बारीक काट लिया है। 200 ग्राम टमाटर लिया है, 8-10 लहसुन की कलियाँ और 2 इंच अदरक। ये तीनों चीज को हम मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं और टमाटर को काट के ही पीसे। तो देखिए हमने टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली है। अब हम चने के मसाले बनाएंगे। तो ये काम आप कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन चने उबल रहे हैं तो समय की बचत करते हुए यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया है। इसमें डालिए 4 चम्मच सरसों का तेल। आप जो कुकिंग ऑयल खाते हैं उसमें बना सकते हैं। तेल के गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को कम कर दीजिए और इसमें हम कुछ साबुत मसाले डालेंगे। 2 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 1 मोटी इलायची, इसे मैंने इस तरीके से खोल दिया है ताकि फ्लेवर अच्छे से आए, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ते और 1 सूखी लाल मिर्च। अब इसमें डाल दीजिए 2 चुटकी हींग। मसाले के सौते हो जाने के बाद डाल दीजिए बारीक कटे प्याज। फ्लेम को बढ़ा दीजिए और प्याज को अच्छे से हम चलाते हुए भून लेंगे। तो करीब 5 मिनट के लिए हमें प्याज को भून लेना है। प्याज गुलाबी हो चुका है और कितने अच्छे से सौते हो गया है। अब हम इसमें हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। मसाले डालने के टाइम फ्लेम को कम कर दीजिए। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप मिर्ची कम भी डाल सकते हैं, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी ज्यादा ना डाले, सब्जी का कलर निखर के नहीं आएगा। मिला ले और जैसे ही हम मसाले डालेंगे तुरंत हमें डाल देना है पीसे हुए टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट ताकि मसाले जले ना, और इस तरीके से मिला लें। फ्लेम को आप बढ़ा दीजिए। 2 हरी मिर्च, तो थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डालते हुए हम सारे प्यूरी को निकाल लेते हैं। मिला लें और थोड़ा नमक भी डाल दीजिए। जब हमने चने को उबाला है तभी नमक डाला है, इसलिए नमक हिसाब से डालें। अब हम बहुत ही अच्छे से 5-6 मिनट मसालों को भूनेंगे। तो आप अगर इस तरीके से चना मसाला करी बनाते हैं तो चावल, पराठा, सादी रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। अब फ्लेवर के लिए आप यहाँ पे 1 छोटी चम्मच अलग से छोले मसाले डाल सकते हैं, जो बाजार में मिलता है ना दोस्तों, वो वाला। या आप छोले मसाले के बदले किचन किंग मसाला डाल सकते हैं, आप उसके बदले अगर नॉन वेज खाते हैं तो चिकन मसाला डाल सकते हैं। या आपके पास कोई भी मसाला ना हो, आप इसी तरीके से बनाना चाहते हैं तब भी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार लाजवाब स्वाद में बनेगा। आप ऐसे ही बनाएं, बस ऊपर से डाल दीजिएगा 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ किचन किंग 1 छोटी चम्मच। तो मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए हैं मसाले की भुनाई हम। तो देखिए मसाले भुन चुके हैं और तेल किनारों पे आ गया है। फ्लेम को हम लो कर देते हैं और लो फ्लेम पे 2 मिनट और मसाले को भूनते हैं। तब तक मैं आपको चने दिखा देती हूँ। चने बहुत ही बढ़िया से उबल चुके हैं। मैं आपको हाथों में लेके दाब के दिखाती हूँ। देखिए एक भी चने फटे नहीं है। चने को इसी टाइम हमें उबालना है क्योंकि जब मसाले डालेंगे तो चने बिल्कुल भी पकते नहीं हैं, वो कड़े हो जाएंगे। तो देखिए सारे चने कितने सॉफ्ट हैं। और अब हम 2 बड़े चम्मच चने मिक्सी के जार में डालते हैं। इसमें मैंने टमाटर पीसा था, इसी में डाल दीजिए।
तो इसमें हम थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डाल के पीस लेते हैं। तो मसालों का कलर आप देख सकते हैं और चने भी हमने पीस लिया है और ये पीसे हुए चने हम मसालों में मिला देते हैं। तो ऐसा करने से काफी लटपट ग्रेवी वाली चने बनती है। जब थोड़ा पानी डाल के इसे चने को निकाल लेते हैं। चने को आप भी पीस के डालें क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम आता है कि जब हम चने बनाते हैं तो पानी अलग हो जाता है, यानी उसकी ग्रेवी अलग हो जाती है और चने अलग हो जाते हैं। लेकिन आप इस ट्रिक से का चना मसाला परफेक्ट बनेगा। ये मिला लिया है, अब हम प्रेशर कुकर में मसालों को उलट देते हैं। कढ़ाई में अगर आप चने को उलट के बनाइएगा, यानी चने को कढ़ाई में पकाइएगा, तो वो टेक्सचर नहीं आ पाएगा। हमें कुकर में एक सीटी और लगाना है ताकि मसाले चने लटपट हो जाए, तभी तो तेल सेपरेट होके ऊपर आएगा। तो कुकर में डाल देते हैं भुने हुए मसाले, मिला ले। तो देखिए उबाल आ चुका है, अब 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डाल दे। तो हो तो जरूर डाले, टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, मिला ले। अगर आपको बहुत सारी ग्रेवी चाहिए तो 1 चाय कप पानी डाल सकते हैं, मुझे सही लग रहा है। अब हम कुकर का ढक्कन लगाते हुए 1 सीटी लगा लेते हैं। कुकर खुद से ठंडा हो चुका है, अब हम खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना लजीज जायकेदार चना मसाला बनके तैयार है। तो मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ। कलर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया आया है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चने अलग है और ग्रेवी अलग है, लटपट सा बना है। तो मैं आपको बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। तो बच्चों को पूरी चना मसाला बहुत पसंद है और राइस के साथ भी जबरदस्त लगता है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा टेस्टी है, एक बार आप जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपका चना मसाला कैसा बना ये भी बताएं।